जी अस्सलाम वालेकुम, देश और प्रदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं जनाब अभी मौजूद हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ पे मेरी ट्रांजिट फ्लाइट थी। अभी एक इंडियन भाई थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। वो कह रहे जी कि हम आपकी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं, तो मेरे लिए ये काफ़ी सरप्राइज था। पुर्तगाल में किसी का मिलना या यूरोप में समझ ले किसी का मिलना और दुबई में किसी का मिलना और इतने प्यार से मिलना और वो भी समबडी फ्रॉम इंडिया। तो अभी मैं ये अपने दूसरे प्लेन की तरफ जा रहा था, तो ये F10 मेरा गेट है। यहाँ से फैसलाबाद की फ़्लाइट थी और एक और दोस्त है, इन्होंने मुझे रोक के पहचान लिया और कह रहे हैं जी कि मैं आपको जानता हूँ, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल फारूक। बिलाल फारूक जी सर, बिलाल फारूक। अच्छा, फैसलाबाद से। मैं इधर हूँ 10-11 साल से दुबई में। अच्छा, तो हम जितने भी रूम में आदमी हैं, हमारे विले में जितने रूम हैं, सब में लोग आपकी वीडियो देखते हैं और सब ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह चले जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत लोग गए भी हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत से लोग गए भी हैं उधर जिन्होंने ट्राई किया आपकी वीडियो देख, मेरी वीडियो देख के चले गए, देख के उन्होंने खुद अप्लाई किया है मुझे। अच्छा, खुद वो चले भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कितने दोस्त हैं उधर जाके मेरे को बोल रहे हैं कि आप भी जल्दी से जल्दी इधर आए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और उसमें एक एक चीज स्टार्ट से एंड तक वो मतलब की इन्फॉर्मेटिव होती है। ये नहीं कि ऑफर ऐसी वाली कोई, इमिग्रेशन खुल गया, इमिग्रेशन बंद हो गई, ये हो गया, धमाका हो गया। तो ये मेरा मकसद है जी, और मेरा ख्याल है मैं अगर लोगों से पैसे लेने शुरू कर दूं तो ये वाली इज्जत नहीं मैं कमा सकता पैसे लेकर भी, जो ये इज्जत मुझे इस टाइम ये दुबई के एयरपोर्ट पे, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे दुबई में भी कोई पहचानता होगा। और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की और बड़े एजाज की बात है कि ये मेरे सामने जो आपको पूरा दुबई जानता है क्योंकि मैं इधर ही काम करता हूँ, तो जिधर भी गया हूँ ना, तो आप वो मेरे को पूछते हैं, कुछ दोस्त हैं जो नहीं पढ़े लिखे ज़्यादा, वो पूछते हैं कि यार बिलाल भाई आजकल वो लोग जा रहे हैं यूरोप, तो कोई तरीका बताओ। मैं आपका चैनल उसको रेफर करता हूँ कि इसमें देखो और खुद अप्लाई कर लो आप लोग। इधर जो पुराने लोग हैं उनकी सैलरी 3,000-4,000 दरम जी जी, तो वो इजीली कर सकते हैं, उनकी अगर बैंक स्टेटमेंट है तो इजीली वो जा सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। वो इधर दुबई में इतने एजेंट हैं, इतने एजेंट जी जी हमें पता है, बड़े बड़े 30,000-28,000 नॉर्मल चल रहा है विजिट वीजे के लिए। अच्छा, हालांकि जिसकी फीस टोटल मेरे हिसाब से 700-800 दरम बनती है। सही, तो मैंने भी अभी अपॉइंटमेंट ली है, इंशाल्लाह मैं भी जल्दी जाऊंगा इंशाल्लाह जनाब। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपको कहीं पे असिस्ट कर सकूं। वैसे तो आपको पता है मैं वैसे भी ऑनलाइन ये कोशिश करता रहता हूं, और ये भाई साहब माशाल्लाह इनका कद देखें, मैं इनके शोल्डर तक हार्डली पहुँच रहा हूँ, 6.6 फीट है, मैं भी तकरीबन कोई 6 फुट के आस पास हूँ। तो ये माशाल्लाह इतने लम्बे, और मेरे लिए जनाब ये डबल एजाज की बात है कि इतने लम्बे कद का इंसान तो जनाब मुझे यहाँ पे रोक के मैंने आपको अभी हमको मिलना था, वो एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इंजीनियर ने बोला है कि आपकी फ्लाइट अभी थोड़ी। अच्छा, मैं इधर से वापस आ रहा हूँ तो सामने से आप देखिए। सही सही सही, मेरे असल में पेरेंट्स वो उधर हैं, वो थे स्पेशल सर्विसेज के साथ, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे इधर अभी गुंजाइश नहीं है, तो आप F10 पे चले जाएं, तो इसलिए मैं अकेला इधर आया हूँ। तो बहरहाल जनाब आपका बहुत खुशी है, मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे लिए ये जनाब बड़े एजाज की बात है, और थैंक यू सो मच, आपने इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, और मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। इधर से बाहर चले जाएंगे दुबई में ना, तो आपको हर बंदा जानता है, हर बंदा जानता है, जो भी किसी रूम में रह रहा है ना पाकिस्तानी, उसकी यही ट्राई है कि वो इधर से चला जाए, क्योंकि इधर कुछ लोग 20 साल से हैं, कुछ 15 साल से हैं, उनकी ये ट्राई है कि ये वीजे के झंझट से वो निकल जाए। सही, और यूरोप में सबसे बड़ा फायदा ये है कि उधर इमीग्रेशन बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, मिल जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल है। और अभी तो अच्छी न्यूज भी आपने ये कुछ दिन पहले बताई कि वो अर्जेंट में फास्ट ट्रैक हो रही है चीजें, बिल्कुल हो रही है, वजह से लोगों की ट्राई है कि हम लोग जल्दी से जल्दी चले जाए। लाजम नहीं कि उधर पुर्तगाल में रुकेंगे, वो उसका मकसद ये है कि उधर का पासपोर्ट लेके आगे यूरोप में कहीं सेटल हो गए, क्योंकि उधर तो आप फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद कौन सी जगह? फैसलाबाद में सतियाना से। सतियाना सही के पास ही जाऊंगा जी जी। अच्छा माशाल्लाह, तो आप चीमे हैं, चट्टे हैं, राई हैं, जाट हैं? राई हैं सर। अच्छा 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 माशाल्लाह, तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी इधर पुर्तगाल का? जी मैं लूं। इसका मतलब मेरी पोस्टें देखते रहते हैं फिर? अभी देख के आया हूँ, अभी देख के आया हूँ। मैं अक्सर जब भी रूम में आता हूँ ना,
तो अभी मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप भी किया दुबई में। अच्छा माशाल्लाह। टेक्निकल सर्विस का। माशाल्लाह। तो मैं जब भी आता हूँ रूम में तो सबसे पहले देखता हूँ कोई वीडियो आई है कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि मैंने ली हुई है अपॉइंटमेंट तो उसी के वेट में होकर जल्दी से जल्दी। सही सही। तो देश और प्रदेश से के देखने वालों के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? मेरा ये पैगाम है कि आप एजेंटों के हाथ ना लगें, आप सबसे पहले खुद ट्राई करें। उसमें कुछ इतनी है नहीं, अगर आप लीगल बंदे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट लीगल है, आप ओरिजिनल एक मतलब के थोड़ा सा भी आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरे रूम में, जी मेरे रूम से एक बंदा गया अभी, वो उसने माल्टा का अप्लाई किया था ना। सही। तो माल्टा का उसने वर्क परमिट अप्लाई किया था बाइक राइडर का। सही। तभी माल्टा में थे, लेकिन अभी लोग विजिट पे जा रहे, कोई जा रहे इटली, कोई पुर्तगाल, कोई ऐसा दूसरे, लेकिन जा फाइनल पुर्तगाल में रहे क्योंकि उधर TRC बहुत जल्दी मिलती है। तो मकसद ये है कि मेरा पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। आपकी वजह से एजेंट बहुत परेशान है। मेरी वजह से? आपकी वजह से नहीं। मेरा यकीन करें, मैंने आज तक कोई भी वीडियो एजेंटों के लिए नहीं बनाई। आपने नहीं बनाई, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन ऐसे देते हैं कि लोग एजेंटों के पास जाना छोड़ दें। मैंने कभी भी देखें, सिर्फ वही बंदा जाता है। अभी अभी एजेंटों ने क्या काम किया है कि अभी सिर्फ उनकी कमाई में 100-200 दरम जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी बोलते हैं कि हम लोग आपको फाइल रेडी करके देंगे, आप खुद ही अपॉइंटमेंट ले लो। सब फाइल रेडी का मतलब होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन और ये सब इंश्योरेंस वगैरह वो करवा के देते हैं। उसमें सिर्फ 100-200 दरम उनका पहले वाली दिहाड़ी नहीं रही उनकी, जो 25,000 है, 28,000, 30,000 थी, वो ख़त्म हो गई आप लोगों की वजह से और आप लोगों की हेल्प की वजह से। देखिए मेरा मैंने कभी भी किसी का जो बिज़नेस है उसको मुतासर करने की कोशिश नहीं की, ना मेरा ये कभी टारगेट रहा, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव अप्रोच लेके चलूँगा ना तो शायद मैं पॉजिटिव काम नहीं कर सकूँगा। मैं फोकस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काम पे, और मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों तक सही मैसेज जाए कि आप क्या करें, कैसे करें और कौन से रास्ते अपनाएं, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दो नंबर रास्ता ना अपनाएं। और ये अभी ये लास्ट टाइम आप देखे, ये अभी शिप एक जी बिल्कुल बोल रहे हैं कि कितने आदमी, हाँ जी, कितने घर उनके पीछे बच्चे होंगे, उनकी फैमिली होगी, कितने डिस्टर्ब, हर आदमी अभी यही उसी पे न्यूज़ चल रही है हर जगह पे, और हर आदमी उसकी वजह से परेशान है कि कितने। और वो कुछ एरिया है पाकिस्तान में, उस एरिया के लोग यूज ही वो रास्ता करते हैं। हाँ जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। दो एरिया उनके लोग इधर भी जो हैं वो इधर से भी आगे डंकी के जरिए जाना चाहते हैं, उनको वो आसान लगता है। देखिए मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी हम 25 लाख दे देते हैं, हम 30 लाख दे देते हैं, हमें फलां एजेंट ने इतने पैसे कहा, तो मैं सिर्फ उनसे कहता हूँ कि जब आपके पास इतने पैसे हैं तो आप इतने पैसों से अपना जो वीज़ा है यूरोप का ये खुद लगवा सकते हैं, और आप कम में लग सकते, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। मकसद ये है कि इन पैसों से आप, और ये पैसे आप सेव करके वहाँ पे जाके कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, अपनी बेस बना सकते हैं, आप शुरू के अपने एक्सपेंसेस जो है वो कवर कर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलके, और आपने मेरे साथ तस्वीर बनाई है और मैंने आपके साथ पूरी वीडियो बना दी है, और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच। और आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है, मुझे इसकी बड़ी खुशी है, और इंशाल्लाह ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। और अब तो ये समझ लें, ये जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे दुबई में जगह जगह जो है वो आपकी वीडियोस वगैरह देखी जा रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मकसद ये है कि कोई और दिल आसान भी उठेगा, एक नहीं उठेगा, कई उठेंगे इंशाल्लाह मेरे इस भाई की तरह। तो ले जनाब दुबई के इस एयरपोर्ट से इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।